मोहम्मद शुएब साहब आपसे पूछते हैं जी कि ज़िलहज्जा की किन तारीखों में रोज़ा रखना चाहिए। ज़िलहज्जा के पहले अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि उससे पहले कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, वल फजरी व लयालिन अशर। और बुखारी की रवायत है, थोड़े से इख्तलाफ़ अल्फाज के साथ, वो तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा में, दूसरी कुतुब हदीस में भी है। और उसमें यह है कि मामिन अय्यामिन अल-अमलुस्सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अय्याम अल-अशर। क़ालू वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह या रसूलल्लाह, क़ाला वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही वलम यर्जि मिन ज़ालिका बिशय। कि ये जो दिन हैं 10 दिन ज़िलहिज्जा के अशरे के, पहले अशरे के, ये इतने अफजल हैं कि कोई भी अमल साले जो दूसरे दिनों में किया जाता है वो और इन दिनों में किए जाने वाले अमल का मुकाबला अगर किया जाए तो अल्लाह ताला को इन दिनों में जो नेक अमल पसंद है वो किसी और दिन में नेक अमल पसंद नहीं है। उस नेक अमल में सारी इबादत आ जाती हैं, सारे नेक अमल आ जाते हैं। और रोज़े के बारे में ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस है जो तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अशरा ज़िलहिज्जा है इससे ज़्यादा पसंदीदा अमल और किसी और दिन में नहीं हो सकता, अयुताबद लहू फ़ीहा, कि अल्लाह ताला की उसमें इबादत की जाए, इससे ज़्यादा पसंदीदा कोई और ज़माना नहीं हो सकता। और फिर फरमाया कि यादिलु सौम कुल यौमिन बिस्याम सनतिन व क़याम कुल लैलतिन बिक़याम लैलतिल क़द्र, कि इसमें हर एक दिन का रोज़ा रखना ये एक साल के रोज़ों के बराबर है, और एक रात का क़याम करना लैलतुल क़द्र में क़याम करने के बराबर है। तो इतनी बड़ी फजीलत है, लिहाजा इन दिनों में कसरत से रोज़े रखने चाहिए। अगर पूरा अशराई को रोज़ा रख ले तो सुभानअल्लाह, बहुत अच्छी बात है।